अरविंद केजरीवाल का जो वीडियो आपने अभी देखा है वो काफ़ी वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल मीटिंग में सवालों के जवाब देने की बजाय उठकर चलती है, और जैसा इस वीडियो में दिख रहा है वो सच भी लग रहा है। तो आपको बताए देते हैं कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है। दरअसल जो भाई साहब इनसे सवाल पूछ रहे हैं वो कुलजीत सिंह चहल हैं, जो कि भाजपा के महामंत्री हैं। ये मीटिंग चल रही थी NDMC यानी कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की। कुलजीत सिंह चहल ने एक RTA दायर की थी, जिसका जवाब आने पर उन्होंने केजरीवाल जी के सो कॉल्ड बेस्ट शिक्षा मॉडल पर कुछ सवाल दाग दिए। सवाल कुछ इस प्रकार थे कि शिक्षकों, छात्रों व अभिभावकों के साथ कोई भी मीटिंग क्यों नहीं की गई, केजरीवाल ने MLA फंड से अपनी नई दिल्ली विधानसभा के स्कूलों में कोई विकास कार्य क्यों नहीं किया। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली के नगर पालिका परिषद के स्कूलों में कोई भी दौरा नहीं किया। दूसरा, RTI बताती है कि आपके MLA फंड से कोई भी नहीं हुआ। इन सवालों के जवाब देने की बजाय केजरीवाल उठकर चल दिए। जब कुलजीत सिंह के RTI के सवालों को हमने पढ़ा तो पहला सवाल था कि CM साहब ने 2015 से 2022 के बीच कितनी बार स्कूलों का दौरा किया, जिसके जवाब में लिखा था कि कोई दौरा नहीं किया गया है। इसके अलावा भी कई सवाल थे जो हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सबके जवाब ज़्यादातर केजरीवाल के खिलाफ ही थे, और बताया जा रहा है कि मीटिंग में कुलजीत सिंह चहल ने इन्हीं जवाबों को लेकर कुछ सवाल पूछ लिए थे, जिन पर वीडियो के अनुसार केजरीवाल जी ने जवाब नहीं दिया और उठकर चल दिए। खैर, केजरीवाल को लेकर ये कोई नई घटना नहीं है, पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जब केजरीवाल सवालों के जवाब दिए बिना उठकर चल दिए। अब केजरीवाल अपने शिक्षा मॉडल का बारंबार गुणगान करते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसी शिक्षा मॉडल पर सवाल पूछे जाने पर उठकर चल देते हैं। बाकी आप खुद एक बार वीडियो को फिर देखिए और मामले को अच्छे से समझिए।